हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ एक टेस्टी इंडियन डेजर्ट, गाजर का हलवा। सर्दियों का मौसम है और गाजर भी अवेलेबल है, तो मैंने सोचा आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूं। चलिए लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स है 1 किलो गाजर, जिसे मैंने पील आउट किया है। इसे कद्दूकस कर ले। आप देख सकते हैं गाजर फाइनली ग्रेट हो चुका है। अस्सी ग्राम खोवा, 3 टेबलस्पून घी, 250 ग्राम चीनी, 10 कटे हुए बादाम, 10 कटे हुए काजू, 6 से 7 इलायची, आधा लीटर दूध। पैन में घी डालकर गरम होने के बाद बादाम, काजू डालकर ब्राउन होने तक फ्राई करें। और अलग से निकाल लें। उसी घी में गाजर को डाल दें। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हिलाएं। छह से सात मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं गाजर का कलर चेंज हो गया है। और 3 मिनट के लिए कंटिन्यूसली हिलाए। अब दूध को डाल लें, अच्छे से मिक्स करें। मीडियम फ्लेम पर ही कंटिन्यूसली पकाते रहें। दूध अच्छे से एब्जॉर्ब होने के बाद चीनी डाल लें। चीनी घुलने तक मिक्स करें। आप देख सकते हैं चीनी कंप्लीटली घुल चुकी है। अब खोवा डाल दें। खोवे को हलवे में मिक्स कर दें। मीडियम फ्लेम पर ही कंटिन्यूसली स्टर करें। इलायची का पाउडर बनाकर उसे डाल लें। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहने से ही इसका मजा और बढ़ेगा। हलवे की कंसिस्टेंसी थिक होने के बाद ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब फ्लेम को बंद कर दे। चलिए डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं हलवे का कलर और टेक्सचर कितना खूबसूरत दिख रहा है। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, चलिए टेस्ट करते हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें।